दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं वेयर हाउस पैकिंग जॉब के बारे में जैसे कि अमेजन फ्लिपकार्ट ग्रोफर्स डी मार्ट स्नैपडील कंपनी के बारे में वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी होने वाला है इसलिए वीडियो पूरा देखिएगा वीडियो थोड़ा ज़्यादा बड़ा बनेगा लेकिन आप पूरा ज़रूर देखें ताकि आपके हिसाब से आप अपनी पैकिंग वेयर हाउस कंपनी पसंद कर सको तो चलिए शुरू करते हैं और पूरा डिटेल्स देते हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं काम के बारे में देखिए दोस्तों अभी पैकिंग का काम वेयर हाउस में चल रहा है तो वो जो आप देख सकते हैं जो आप समझ सकते हैं दोस्तों पहले नियम और शर्तें जान लेते हैं टर्म एंड कंडीशंस देखते हैं देखिए दोस्तों सबसे पहले आप वीडियो को पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरा का पूरा जानकारी मिल सके कि क्या सैलरी है क्या फैसिलिटीज़ मिल रहे हैं कितने सैलरी आपको कब मिलेंगे ये सब देखना बहुत ज़रूरी होता है तो ये सब आप ज़रूर देखिएगा चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं और काम के बारे में हम आपको एक एक करके पूरा जानकारी देते हैं बस आपसे यही रिक्वेस्ट रहता है आप वीडियो पूरा देखिएगा सभी वेयर हाउस की जानकारी मिलेगी क्योंकि कोलकाता लोकेशन में बहुत सारे जॉब्स अभी अवेलेबल है अगर आप कम पढ़े लिखे भी हो मतलब और काम ढूंढ रहे हो तो आपके लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है काम ढूंढ रहे हैं अभी और कम पढ़े लिखे हैं आपका एजुकेशन उतना नहीं है तो आपके लिए एक सुनहरा अवसर है क्योंकि आपको यहाँ पर चार से पाँच पाँच से छः ऑप्शन मिलने वाले हैं अलग अलग कंपनीज़ मिलने वाली है तो चलिए दोस्तों बस यही डिटेलिंग में बातें करते हैं और अब जॉब का एक्सप्लेशन करते हैं हम कि क्या जॉब अभी अवेलेबल है क्या नहीं है क्या सैलरी रेंज है तो देखिए दोस्तों एक नंबर का है फ्लिपकार्ट में वैकेंसी है फ्लिपकार्ट वेयरहाउस कंपनी जॉब प्रोफाइल रहेगा पैकिंग हेल्पर का रहेगा पैकिंग पिकिंग करना पड़ेगा पैकिंग भी करना पड़ेगा पिकिंग भी करना पड़ेगा ड्यूटी नौ घंटे की रहेगी डे नाइट दोनों रहेगा डे भी कर सकते हैं नाइट भी कर सकते हैं इसमें सैलरी दस हज़ार रुपये पर मंथ बता रहा है सत्ताईस दिन ड्यूटी है स्पॉट ज्वाइनिंग है मतलब सेम डे प्रोसेस इसका भी है सेकेंड वैकेंसी है वेयरहाउस कंपनी है मतलब इसमें डिटेलिंग नहीं दिया गया है कि स्नैपडील है क्या है वेयर हाउस कंपनी बता रहा है जॉब प्रोफाइल अनलोडिंग रहेगा मतलब वो मटेरियल्स को ऊपर से ट्रक पर से उतारना पड़ेगा ड्यूटी ट्वेल्थ आवर्स की इसमें लिख रही है और डे नाइट शिफ्टिंग है सैलरी ग्यारह हज़ार चार सौ रुपये तीस दिन ड्यूटी बता रहा है और इसमें सिस्टम है नो वर्क नो पे अकोमोडेशन फ्री है उसमें तीसरा वैकेंसी है अमेजन वेयर हाउस जॉब में सैलरी uh, आपका बता रहा है दस हज़ार दो सौ रुपये ड्यूटी आपका नौ घंटे का रहेगा और डे नाइट दोनों प्रोसेस रहेगा डे भी कर सकते हैं नाइट भी कर सकते हैं एज आपका अठारह से चालीस रहेगा वनली टेंथ पास कैंडिडेट ही इसमें अप्लीकेबल है टेंथ पास ही कर सकते हैं एट पास का कोई प्रोसेस इसमें नहीं है वर्नली फॉर टेंथ पास जो अगला कंपनी है स्नैपडील वेयरहाउस कंपनी है जिसमें आपका जो ड्यूटी होने वाला है दस घंटे की ड्यूटी होने वाली है और सैलरी आपको दस हज़ार रुपये मिलने वाले हैं लोकेशन इसमें एन ए लिखा गया है आप कॉल करके डायरेक्टली पूछ सकते हो तो डिस्क्रिप्शन में जाके लॉजिन इसमें फ्री बता रहा है अगला वैकेंसी है ग्रोफर्स में ग्रोफ़र्स हाउस जॉब है जिसमें आपका ड्यूटी नौ घंटे की होने वाली है सैलरी जो आपको प्रोवाइड होने वाला है दस हज़ार पाँच सौ रुपये होने वाला है लोकेशन इसमें भी एन ए लिखा रहा है और लॉजिन फ्री है मतलब जो भी आपको डिटेलिंग में बात करना है आप डिस्क्रिप्शन में जा नंबर लेकर के डायरेक्टली बात कर सकते हो अगला जो कंपनी है वेयर हाउस लोडिंग अनलोडिंग में करना है इसमें भी कंपनी का नाम नहीं दिया गया है सैलरी जो आपको प्रोवाइड होने वाले है बारह हज़ार रुपये होने वाले हैं वनली डे शिफ्ट रहेगा इसमें नाइट का कोई प्रोसेस नहीं है मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं मेल एंड फीमेल दोनों कर सकते हैं लोकेशन इसका एन ए रहेगा मतलब वो कॉल करके आप पूछ सकते हो क्योंकि देखिए दोस्तों इसमें मेल फीमेल ज़्यादा मटेरियल हार्ड नहीं होता है उठाने के लिए तो आप देख सकते हैं दोस्तों अगर आपको इसमें से कोई भी काम चाहिए तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा कोई भी काम अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जाना होगा टाइटल पे क्लिक करना होगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके आप नंबर लें और बात करें डायरेक्टली बात करें दूसरा सबसे बड़ी बात है कि यह एजेंसी के तरफ से काम आया तो जैसा कि जानते होंगे जो प्लेसमेंट एजेंसी की तरफ से काम रहता है उसमें कुछ ना कुछ आपको चार्जेस पे करना पड़ता है तो इसमें आपको कुछ पैसे भी देने होंगे जो आपको ज्वाइनिंग होते समय देना पड़ेगा मतलब ज्वाइनिंग लेटर हाथ में मिल जाएगा तो उस समय आपको देना पड़ेगा दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर करें दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कर दें क्योंकि आपको पता ही होगा कि हमारे माध्यम से बहुत सारे जॉब्स अवेलेबल होंगे बहुत सारे कंपनीज से टाइप होगी आने वाले समय में तो बहुत सारे अनएम्प्लॉयमेंट हटने वाले हैं तो दोस्तों आपसे यही रिक्वेस्ट है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए लोगों